नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आरबीएल बैंक की। अगर आप स्टॉक को देखते हैं तो क्वार्टर टू के रिजल्ट के बाद 180 रुपए के ट्रेड कर रहा है और यहाँ पर मोर देन 10% की टैंक हुआ था आपका स्टॉक। यहाँ पर आप देखोगे तो लगातार स्टॉक में गिरावट हुई और तेजी से फ्राइडे की बात करें तो उसके बाद आप देखिए कि स्टॉक आपका 180 के आसपास आकर के रुका हुआ है। ओवरऑल अगर आप इस स्टॉक की ट्रेजेक्ट्री देखेंगे यानी कि स्टॉक का चार्ट पैटर्न कैसा है तो साफ तौर पर आपको दिखाई देगा यहाँ पर कि स्टॉक अच्छी खासी मोमेंटम में था, एक अच्छा सपोर्ट बनाया था और उसके बाद एक अच्छी रैली दिखाई थी। बट यहाँ से जैसे ही क्वार्टर टू का रिजल्ट आया स्टॉक ने टैंक करना स्टार्ट कर दिया। हालांकि रैली अच्छी थी इस हफ्ते में भी शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई थी। अगर आप इसे डेली चार्ट पर देखते हैं तो शुरुआत काफ़ी बेहतरीन थी यहाँ पर, बट क्वार्टर टू में जब 78% लॉस दिखाया है बैंक ने उसके बाद आप देखिए कि गैप डाउन ओपनिंग हुई, 15% इंट्राडे में डे में गया है और क्लोजिंग आपके अराउंड 10% के लोअर सर्किट पर आकर के रुका है। चार्ट पैटर्न की बात करेंगे इस वीडियो में, बात करेंगे क्या आपको बेच देना चाहिए स्टॉक को, अगर आप रुकते हो तो क्या आपको यहाँ पर मिलेगा, किस टारगेट के लिए रुकना है, क्या रुकना सही भी होगा, पॉजिटिव क्या है स्टॉक में, नेगेटिव क्या है, क्या होनी चाहिए आपकी स्ट्रेटजी, क्या हो टारगेट आपको अगर आप खरीदारी करना चाहते हो, तो सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में, डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को कर दो सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। बात करें यहाँ पर आरबीआई में तो दो तरह की चीजें हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आए हो तो आपको अलग पर्सपेक्टिव रखना पड़ेगा, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आए हो तो आपका पर्सपेक्टिव थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। इस वीडियो में बात मोतीलाल ओसवाल के टारगेट की भी करेंगे, ये रिपोर्ट देखेंगे कि उनका टारगेट कितना है और क्यों वो ऐसा बोल रहे हैं कि स्टॉक में अभी भी जान बाकी है। आरबीएल में मोतीलाल ओसवाल की माने तो 30-35% का अपसाइड अभी भी यहां से है, तो अगर आपने खरीदारी कर रखी है तो बेचने की गलती आपको शायद नहीं करनी चाहिए। अगर बात करें मोतीलाल ओसवाल की, सबसे पहले रिजल्ट की बात करते हैं कि रिजल्ट कैसा रहा और गिरावट हुई क्यों है। ये तो नॉर्मल रिजल्ट है आपका, मैं खबर पर लेकर के चलता हूँ, खबर है आपकी ये शेयर। देखिए आप यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो स्टॉक में आपका क्वार्टर टू का रिजल्ट अनाउंस हुआ, नेट प्रॉफिट आपका गिरा है 78% टू ₹31 करोड़। मुंबई आरबीएल बैंक प्रॉफिट फेल अराउंड 78% का यहाँ पर गिरावट है। अमिड टिमिड लोन ग्रोथ, बहुत थोड़ी लोन ग्रोथ हुई है यहाँ पे एज रिटेल लोन स्लोड पर्टिकुलरली इन द बैंक्स की माइक्रो फाइनेंस एंड क्रेडिट कार्ड सेगमेंट। प्रॉब्लम है यहाँ पर, प्रॉब्लम इसलिए हुई क्योंकि पिछले दो सालों से लगातार अगर आप देखो तो इंडिया वॉज अंडर लॉकडाउन और ऐसे में जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज होती हैं या माइक्रो फाइनेंस देने वाले लोग होते हैं, लेने वाले लोग होते हैं सॉरी, वो यहाँ पर नहीं आते। क्रेडिट कार्ड का जो सेगमेंट इनके पास था वो भी उतनी अच्छी तरह से नहीं चला है इस लॉकडाउन के अंदर में। आप खुद सोचिए कि आपके आसपास कितने ही नए लोगों ने यहाँ पर इस दौरान क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करा है या फिर एक्स्ट्रा शॉपिंग की है। हालांकि फेस्टिव सीजन आया है और इस तिमाही में सितंबर से दिसंबर की जो तिमाही होने वाली है यहाँ पर बैंक्स काफी अच्छे चलने वाले हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट इस समय पे अगर आप देखो तो जून से सितंबर का जो क्वार्टर रहा है आपका वो काफी अच्छा नहीं रहा है। चाहे आप आरबीएल बैंक देखते हो, चाहे आप बैंक ऑफ बड़ौदा देखो, चाहे पीएसयू में चले जाओ आप, कोई भी ऐसा बैंक आपको नहीं मिलेगा जो इतनी अच्छी ग्रोथ दिखा रहा हो जितना एक्सपेक्टेड रहा हो। हालांकि कुछ एक्सेप्शनल बैंक मिल जाएंगे आपको, बट आरबीएल एक प्राइवेट बैंक होकर के भी इतनी अच्छी रिटर्न अगर दे रहा है आपको तो मुझे नहीं लगता कि लॉकडाउन के अंदर में प्रेशर में रहा है उसके बाद प्रॉफिट आया है कंपनी में, दैट्स ओके। आपको यहाँ पर होल्ड करना चाहिए। अगर आप क्वार्टर टू की बात करते हैं तो क्वार्टर टू इतना कोई बहुत ज़्यादा खराब नहीं है। नंबर्स में अगर आप देखते हैं इसी क्वार्टर को तो नंबर्स में भी आपको साफ दिखाई देता है कि स्टॉक आपका ठीक ठाक मोमेंटम में है, मूड काफ़ी अच्छा सेट हो चुका है। यहाँ पे बात करें मार्च की, मार्च में आप देखिए मार्च 2019 में 2,243 करोड़ का प्रॉफिट था, रेवेन्यू सॉरी, और वहां से बढ़ करके 2,629 करोड़ का रेवेन्यू आ गया। लास्ट क्वार्टर में 2,800 करोड़ का रेवेन्यू था, थोड़ी गिरावट जरूर हुई है यहाँ पे, थोड़ा फिसला है आपका रेवेन्यू भी यहाँ पर, बट दैट डजंट मीन यू स्टार्ट ऑफलोडिंग द स्टॉक, आपको होल्ड करना चाहिए। यहाँ पे रेवेन्यू में आपको साफ तौर पर एक ग्रोथ देखने को मिलती है, 2,200, 2,500, 2,600, 2,700, 2,700, फिर लॉकडाउन लग गया था आपका, लॉकडाउन में थोड़ा गिरावट जरूर हुई ही, बट थोड़ा सा आप होल्ड करते हैं अगर स्टॉक को तो यहाँ पर आपका पैसा अच्छा खासा बन सकता है, तो होल्ड करने की बेसल आपको यहाँ पर रहेगी। इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स, फाइनेंशियल्स में देखो मैं सारी अच्छी बातें आपको यहाँ पर नहीं बताऊँ, कुछ खराब चीज़ें हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। आरबीएल में जो प्रॉब्लम्स है जहाँ पर उसकी बात करें तो आप देखिए कि मार्जिन कंपनी का बहुत कम है, 3.5-4% का मार्जिन एक बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा लो होता है। इतना कम मार्जिन में रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है, बैंक का कैश फ्लो काफ़ी कम है इनका और डेली बेस के जो खर्चे हैं वो फॉलो अप करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है इन्हें, और यही कारण है कि यहाँ पर मार्जिन काफ़ी कम दिखाई देता है आपको। साफ तौर पर अगर आप बात करें नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट 9.5 करोड़ का आया है, लास्ट टाइम इन्होंने 462 करोड़ का लॉस दिया था,
यहाँ पर ग्रोथ की उम्मीद थी। लास्ट टाइम बताया जा रहा था कि मार्च से जून में बहुत अच्छा लॉकडाउन था, यहाँ पे लॉकडाउन फेज था तो लॉस आना संभावित है, बट इस बार लॉकडाउन नहीं था, फेस्टिव सीजन है। गवर्नमेंट ने कई सारे यहाँ पर पॉलिसीज लॉन्च की, स्कीम्स लॉन्च किया, बैड बैंक का भी कॉन्सेप्ट आया यहाँ पे, उसके बावजूद भी कंपनी ने बहुत कम ग्रोथ दिखाई है इन टर्म्स ऑफ नेट प्रॉफिट। उसके पीछे का जो एकमात्र कारण है यार, वो यही है कि प्रोविजंस बहुत ज़्यादा करने पड़े हैं बैंक को, और जब भी बैंक्स प्रोविजन करते हैं तो यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट होता है, प्रॉफिटेबिलिटी जो होती है ऑल लॉन्ग, वहाँ पर गिरावट होती है। और अगर आप ग्रोथ पैटर्न भी देखो, 227 से शुरुआत करके 9 करोड़ तक आ गई है कंपनी, तो बहुत अच्छा प्रॉफिट तो नहीं कर रही है, ठीक है। रेवेन्यू के तौर पे आप कह सकते हो कि यहाँ पर अच्छी ग्रोथ है, बट नेट प्रॉफिट और मार्जिन में यहाँ पर कंपनी मार खाती है, तो थोड़ा सा रिस्की इन्वेस्टमेंट आपके हिसाब से हो सकता है, रिस्क है कंपनी में। और जो दूसरी खराब चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है, जो बहुत सारा सवाल भी था, कि आरबीआई में जो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है वो यहाँ पर लोगों को दिखाई देती है, कि 32% से FIIs ने अपनी शेयर होल्डिंग को गिराया है और 29% पर आ चुके हैं। अब FIIs ने अगर शेयर होल्डिंग को गिराया है, दैट मीन्स कि उनको कुछ ना कुछ यहाँ पर कमी लगी है, जो लोगों का मानना है। ये मुझे नहीं लगता कि कोई पॉइंट होना चाहिए आपका स्टॉक से निकलने के लिए। स्टॉक में गिरावट हुई, FIIs आएंगे और जाएंगे भी, वो हमेशा लगा रहेगा, चाहे अच्छा बैंक हो, चाहे बुरा हो, चाहे अच्छा स्टॉक हो, चाहे खराब स्टॉक हो। रीजन बिंग कि कुछ लोगों को स्टॉक में स्कोप दिखता है, कुछ लोगों को स्कोप नहीं दिखता है, तो वो प्रॉब्लम आपके लिए नहीं होनी चाहिए। FIIs की जहां तक बात रही है, अगर उनके पास 29% का हाई स्टेक है, इसका मतलब है कि आपको यहां पर बिल्कुल भी बेचना नहीं चाहिए। रीजन बिंग कि FIIs के पास, FPI के पास अच्छी इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, अच्छे एनालिस्ट है, एंड दे नो बेटर देन अस, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर पकड़ के चलना चाहिए। मुझे लगता है कि FIIs ने अगर यहाँ पर अपनी होल्डिंग को थोड़ा बहुत गिराया भी है, दैट्स ओनली बिकॉज कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा इस समय दबाव में था। पिछला अगर आप दो तिमाही देखते हैं, तो बैंकिंग सेक्टर आपके दबाव में काम कर रहे हैं, और यही बड़ा कारण हो सकता है कि FIIs ने यहाँ पर पैसा निकाला है, नन अदर देन दिस, ठीक है। तो कोई और कारण नहीं है, तो आप होल्ड कर सकते हैं यहाँ पे। और यही नहीं, ये 30% के आसपास की होल्डिंग है इनकी अभी भी इस बैंक में, और म्यूचुअल फंड्स लगातार अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं, 15% 16% कर दिया है। चार्ट अगर आप देखते हो तो स्लोली ये ग्रोथ पर ही आपको देखने को मिलता है, तो म्यूचुअल फंड कहीं ना कहीं यहाँ पर इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं। तो बैंक अभी भी आपका स्ट्रांग है, मोमेंटम में है। प्राइस अगर आप देखें यहाँ पे, जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो थोड़ी गड़बड़ाई जरूर है, बट वो एक बड़ा कारण नहीं हो सकता आपके यहाँ से निकलने का। क्वार्टरली रिजल्ट में थोड़ा गिरावट ऊपर नीचे आ सकता है आपका, बट दैट्स जस्ट बिकॉज द अप्स एंड डाउन्स इन द इकॉनमी थोड़ी सी समय पे हमारी खराब चल रही है, यही बड़ा कारण है कि जो बैंकिंग सेक्टर है, स्पेसिफिकली जो छोटे बैंक हैं, वो अगर कनेक्ट नहीं कर पा रहे, कम्पीट नहीं कर पा रहे, तो होल्ड कीजिए आप, डरने की बात यहाँ पर नहीं है। चार्ट पैटर्न की बात करते हैं, और अब बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल के टारगेट की। देखिए, मोतीलाल ओसवाल की जो रिपोर्ट है वो 29 अक्टूबर की है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 29 अक्टूबर की यहाँ पर रिपोर्ट है। सेक्टर फाइनेंशियल से आपका करंट मार्केट प्राइस उस समय पे 201 का चल रहा था, उन्होंने टारगेट दिया था 240 के आसपास का, ठीक है, अच्छा टारगेट है, बाइंग का कॉल है यहाँ पे, अपसाइड अच्छा खासा आपको देखने को मिल रहा है, 201 से 240 19% का, 180 हो चुका है अब आपका प्राइस, ठीक है। तो अराउंड 30-35% के आपको यहाँ पर अपसाइड देखने को मिल सकता है खरीदारी अगर आप करते हैं तो। टाइम फ्रेम इनका 6 महीने से 1 साल का रहता है यूजुअली, बट मुझे लगता है क्योंकि बैंकिंग का ट्रेंड बदला है, और यहाँ से आपको इस स्टॉक में भी फायदा होगा, तो बिल्कुल खरीदारी की जा सकती है। अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो तो बिल्कुल यहाँ पर एंट्री आप ले सकते हो। बात कर लेते हैं चार्ट की, कहाँ पर सपोर्ट है आपका, कहाँ पर आपको निकलना चाहिए, कहाँ पर घुसना है। तो 173 का आपका पहला सपोर्ट है, लेट मी चेंज इट टू द वीकली चार्ट पैटर्न। देखिए, पहला आपको जो सपोर्ट है वो अराउंड यहाँ पर है 173 का, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म जाते हैं एंड लेट्स ड्रॉ आवर सपोर्ट हियर। अराउंड 160 के आसपास का आपका सपोर्ट मिलेगा, एक रेंज में रहा है बहुत टाइम से, और इसी रेंज के आसपास आप देखेंगे तो सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया है, तो 160 के आसपास का आपको सपोर्ट मिलेगा यहाँ पर। पहला जो टारगेट आपका आएगा वो 222 का आएगा, 220 का आएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर अगर आप खरीदारी करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट मेरी राय यहाँ पर होल्ड करने की रहेगी, खरीदारी ना करो अच्छा है। मैग्डी आपका इस समय बुलिश पैटर्न में है। RSI की बात करें, 43 का RSI है, लोअर साइड पर सपोर्ट लीजिए आप 161 का, एंड अपर साइड पर पहला टारगेट आपका 222-224 का होना चाहिए। मोतीलाल ओसवाल का टारगेट 240 का है, आप होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को, उनकी राय है खरीदारी करने की, मेरी राय अभी यहाँ पर रहेगी आप होल्ड करें, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा नेगेटिव है। ऐसे मार्केट में अगर आप देखेंगे तो मार्केट नेगेटिव होगा तो पैनिक आएगा, और पैनिक आएगा तो आपका जो स्टॉक है वो लुढ़कता हुआ दिखाई दे सकता है, इसलिए नई खरीदारी करने से बचें अभी आप इसमें। जिन लोगों ने ऑलरेडी बाय कर रखा है 160 के आसपास से अगर सपोर्ट लेता है तो वहां पर एवरेज कर सकते हैं, और उसके बाद होल्ड कीजिए आप इस स्टॉक को, यहाँ पर आपका पैसा लॉन्गर टर्म में बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो वीडियो यहीं खत्म करेंगे, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड यस प्लीज कमेंट बिलो, अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।